दोस्तों नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में एक बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। नोरा की डांस के कारण बॉलीवुड में एक एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित होती है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नोरा बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेटर रही हैं, जिन्होंने कई स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक किए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोरा फतेही की लाइफस्टाइल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप नोरा के फैन हैं तो इस वीडियो पर इनके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 30 साल। नोरा बेसिकली एक अरब फैमिली से बिलोंग करती हैं। नोरा के जन्म से पहले उनकी फैमिली मोरक्को में रहती थी, लेकिन नोरा के जन्म से पहले उनकी फैमिली कनाडा मूव हो गई और नोरा ने अपनी पूरी लाइफ कनाडा में बिताई है। नोरा ने अपनी स्कूलिंग वेस्ट व्यू कॉन्टिनेंटल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से की है। नोरा को बचपन से बॉलीवुड फिल्म्स देखना बेहद पसंद था और वहीं से इन्होंने रियलाइज किया कि हिंदी मूवीज में एक एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उनकी इस बात को हमेशा टाल देते थे और उनपे बहुत गुस्सा करते थे, और साथ ही उन्हें समझाते भी थे कि ऐसे काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली एंटरटेनमेंट को लेकर बहुत ही कंजर्वेटिव थी, इसीलिए नोरा ने कभी भी उन्हें अपने एम्बिशंस के बारे में नहीं बताया और घर पर चुपचाप करके डांस प्रैक्टिस किया करती थी। नोरा पेशे से एक डांसर, एक्टर, प्रोड्यूसर और मॉडल हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नोरा के कैरियर के बारे में। आपको बताते चले कि नोरा ने डांस के लिए कभी भी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। इन्होंने हमेशा टीवी पर ही डांस देख देख कर प्रैक्टिस की है। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर नोरा फिर भी डांस को लेकर बेहद पैशनेट रही और अपने हाई स्कूल में उन्हें बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड्स मिलना भी शुरू हो गए। नोरा की स्किल्स की वजह से उन्हें एक रेपुटेटेड आर्ट स्कूल में एक स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। स्कूलिंग खत्म होने के बाद नोरा की लाइफ में सबसे बड़ा मुश्किल समय तब आया जब उनके माता पिता का डिवोर्स हुआ और सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नोरा पर आ गई। इसी कारण नोरा ने कुछ समय वेट्रेस की जॉब भी की और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। वे दिन में एज अ वेट्रेस काम करती थी और इवनिंग में एज अ टेलीकॉलर। पूरे एक साल तक इन्होंने ऐसे छोटे मोटे काम किए और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद एक एजेंसी ने उन्हें हायर कर लिया था, जिसके बाद नोरा 2012 में इंडिया आई और उसी साल उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट में कास्ट कर लिया गया। इस एड के बाद उन्होंने कई और एड्स में भी काम किया, पर इसके लिए उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी गई। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है और न्यू कमर्स को पॉलिसीज का इतना ज्यादा पता नहीं होता, तो एजेंसीज के लोग उनकी इस बात का फायदा भी उठाते हैं। एड्स में काम करने के बाद नोरा रोज मूवीज के ऑडिशन के लिए जाया करती थी, पर उनकी हिंदी को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कास्टिंग डायरेक्टर्स उनका मजाक भी उड़ाते थे। एक साल की स्ट्रगल करने के बाद नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रोवर में कास्ट किया गया, जहां उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल में देखा गया, पर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई। इस फिल्म के बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के हर ऑडिशन से रिजेक्ट किया जाने लगा। नोरा रात रात भर ऑडिशंस की प्रैक्टिस किया करती थी और सुबह उनकी हिंदी ठीक ना होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में भी अपना लक आजमाया और वहाँ पर उन्हें सिर्फ डांस नंबर्स के ही ऑफर किए जाने लगे। सबने नोरा को यही मशवरा दिया कि उन्हें आइटम सॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब उन्हें एक आइटम गर्ल की तरह ही देखेंगे। इस बात पर नोरा ने बहुत सोचा और ये हल निकाला कि उन्हें जो चीज ऑफर हो रही है वो उस पर अपने एफर्ट्स लगाएंगी। फिल्म टेम्पर में नोरा जब एक गाने में नजर आई तो उसके बाद से उन्हें कई और डांस नंबर्स में फीचर किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही। उसके बाद नोरा को बिग बॉस सीजन 9 में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री भी देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखला जा में एज अ कॉन्टेस्टेंट पार्टिसिपेट किया और इसके बाद से नोरा को बॉलीवुड के ऑफर्स आने लग गए। इनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें दिलबर सॉन्ग में देखा गया, लेकिन इनके अनुसार हार्दिक संधु का सॉन्ग ना उनके कैरियर का टर्निंग हिट गाना था। इनके दिलबर सॉन्ग ने यूट्यूब पर फास्टेस्ट 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया और आज इस सॉन्ग पर 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं। दिलबर के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक गानों में काम किया, जैसे गर्मी, कमरिया, नाच मेरी रानी, उसा की साकी और एक तो कम जिंदगानी। दोस्तों आपको इनमें से नोरा का कौन सा गाना पसंद है हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं इनके परिवार से। इनका एक भाई है जिसका नाम है उमर फतेही और इनकी फैमिली फोटोज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नोरा की इनकम के बारे में।
नौरा एक गाने में काम करने के 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं और एक मूवी में काम करने के नौरा 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा नौरा कई ब्रांड्स को इंडोर्स भी करती हैं जिनसे इनकी अच्छी खासी इनकम आ जाती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नौरा की नेटवर्थ के बारे में। 2021 के हिसाब से नौरा की नेटवर्थ है 12 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों आपको नौरा का घर दिखाते हैं। वैसे तो नौरा का फैमिली हाउस कनाडा में ही है, पर अपने कैरियर की वजह से नौरा मुंबई में एक अपार्टमेंट में रह रही हैं, जिसमें 3 बेडरूम्स, 1 लिविंग रूम, किचन और बालकनी जैसी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। और इनके इस घर की प्राइस है 18 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं नौरा की कार्स कलेक्शन। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज CLA कार है जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए। इनके पास एक वोक्सवैगन पोलो कार भी है जिसकी प्राइस है 9 लाख रुपए। इसके अलावा नौरा के पास एक होंडा सिटी कार भी है जिसकी प्राइस है 12 लाख रुपए। दोस्तों ये थी नौरा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप नौरा के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस डांसर पर देखना चाहते हैं आप। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.